हेलो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के सबसे लोकप्रिय गेम क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्रिकेट का खेल ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं होता है। अगर यह ओलंपिक में शामिल होता है तो भारतीय प्रशंसकों को पदक मिलने के आस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का प्रयास शुरू से किया गया, लेकिन इस खेल में अधिकांश देशों की बेरुखी के चलते इसे ओलंपिक से हटा दिया गया। लेकिन अब क्रिकेट के T20 फॉर्मेट और T10 फॉर्मेट आने के बाद क्रिकेट को फिर से ओलंपिक में शामिल करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। भारत के कई पूर्व कप्तान जैसे कि कपिल देव और कई क्रिकेट दिग्गजों ने ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को फिर से शामिल करने की बात की है। बात करें सन 1900 की, तो उस समय क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाता था। आपको बता दें कि सन 1900 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए कुछ यूरोपीय देशों ने अपनी सहमति प्रदान की। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे जैसे ओलंपिक करीब आता गया, बेल्जियम और हॉलैंड ने इसके लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया और इस खेल के लिए अपनी टीम नहीं भेजी, जिसके कारण ओलंपिक में जो क्रिकेट शामिल हुआ था उसमें केवल दो ही टीम पार्टिसिपेट कर पाई, जो थी इंग्लैंड और फ्रांस। ओलंपिक के हिसाब से क्रिकेट में दो दिन के मुकाबले में दो दो पारियां खेलने के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस को 158 रनों से हरा दिया, लेकिन दोनों राष्ट्रीय टीमें नहीं थी इसलिए उनके खेल को ओलंपिक के रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया। लेकिन 12 साल बाद 1912 में यह फैसला लिया गया कि साल 1900 में पेरिस में ओलंपिक क्रिकेट में जो खेल हुआ था उसके लिए इंग्लैंड को स्वर्ण पदक और मेजबान फ्रांस को रजत पदक दिया जाएगा। चूंकि सिर्फ दो टीमें ही क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया था, इसलिए किसी भी अन्य टीम को कांस्य पदक देने के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता है, और उसके बाद से क्रिकेट को ओलंपिक से हटा दिया गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों की जिसके कारण क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं किया जा सकता। क्रिकेट पॉपुलर तो है, लेकिन जितना फुटबॉल है उतना पॉपुलर नहीं है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और अन्य यूरोपीय नेशंस ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते, और वहाँ की कोई क्रिकेट की टीम भी नहीं है। ओलंपिक में क्रिकेट न होने का एक बड़ा कारण यह है कि क्रिकेट मैच के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, साथ ही मैचों के लिए पिच तैयार करना बड़ी चुनौती का काम होता है, जबकि दूसरे खेलों में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई खेलों में एक ही ग्राउंड पर पूरा ओलंपिक भी किया जा सकता है, एक ही ट्रैक में पूरा ओलंपिक हो जाता है, इसलिए पिच के मेंटेनेंस को देखते हुए भी क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया जा सकता। ओलंपिक्स में ढेर सारे गेम्स खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए ऐसे स्टेडियम की ज़रूरत होती है जहां कोई दूसरा खेल नहीं खेला जाना चाहिए। अब क्योंकि ओलंपिक्स में दुनिया भर के गेम खेले जाते हैं तो अधिकतर खेल एक ही ग्राउंड पर पूरे हो जाते हैं, तो क्रिकेट के लिए अलग से ग्राउंड बनाना बहुत ही चुनौती का काम होता है, तो इसलिए भी क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया जाता। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल न करने का एक और बड़ा कारण है समय। क्रिकेट में काफ़ी समय लगता है और एक T20 मैच भी लगभग 3.5 से 4 घंटे में पूरा होता है, और समय को देखते हुए भी क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया जा सकता। साथ ही BCCI ने भी अभी तक इसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। जब भी ओलंपिक्स आते हैं तो ICC का यह प्रयास होता है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जाए, लेकिन कुछ क्रिकेट बोर्ड्स इसके लिए राजी नहीं होते हैं। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए सभी क्रिकेट बोर्ड्स की सहमति लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।